अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? सारे ठीक ठाक हो? अल्लाह के शुक्र और करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज वीडियो मैं जो बना रही हूँ वो सितारा के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि सितारा कल शाम को लाइव आई थी और उसको खालिद अमीन और बेबो जैसे लोग बहुत तंग कर रहे हैं। तो बेबो तो पता नहीं क्या है, कसम से उसने रोज़ कोई ना कोई झूठी वीडियो, झूठा झूठी बात। फलां जगह काली कार आ गई थी तो काली कार से कौन निकला? तो भाई काली कार में नीचे वाले भी हो सकते हैं, कोई और आके रुक गया होगा उनके घर के बाहर। तुम सारा दिन जो है वो इसके घर के बाहर बैठी रहती हो जो तुम ऐसी बातें करती हो बेबो, और ये खालिद अमीन जो है ये क्यों बकवास कर रहा है कि बच्चों पे बात आती है तो माँ कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि बच्चों के ऊपर कोई बात करे। मासूम बच्चे हैं उसके छोटे छोटे से, और उनको नाजायज़ बोला जा रहा है कि ये नाजायज़ है। जो है छोटी वाली बेटी, उसकी आयत उस वो किसी और की है, उसका DNA टेस्ट करवाया जाए। तो ये क्या बेगैरती है बेबो? तुम इतनी बेगैरत औरत क्यों हो? तुम पहले अपने घर में देखो, अपने घर के लोगों को देखो, कहीं वो तो नहीं नाजायज़? तुम्हारे बेटे अपने तो नाजायज़ नहीं है? जैसे तुम बकवास करती हो गंदी, पूरी मीडिया पे YT पे बैठ कर तुम बकवास करती रहती हो हर वक्त, तो तुम अपने पहले DNA टेस्ट करवाओ, अपने बच्चों के DNA टेस्ट करवाओ ताकि पता चले कि वो जायज़ भी हैं कि नाजायज़ हैं, फिर तुम किसी और के ऊपर जाके जो है ना बात करो। और जो है खालिद अमीन भी जाके अपने जो है पहले जाके टेस्ट करवाए, और फिर जो है पहले जो बकवास कर रहे हैं सारे जो भी हैं हिटर्स, जाएं पहले अपने बच्चों के DNA टेस्ट करवाएं, रिपोर्ट ला के जो है वो YT पे दिखाओ, तो फिर जो है सितारा भी करवा लेगी अपने बच्चों का। ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पहले तुम लोग करवा के लाओ। तुम किसी के ऊपर ये जो है नाजायज़ बातें करते हो, नाजायज़ तोहमतें लगाते हो, तोहमत का पता भी है तुम लोगों को कितना होना है किसी के ऊपर, किसी मुसलमान औरत के ऊपर, पाक बाज औरत के ऊपर तुम लोग तोहमत लगा रहे हो, और इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? चंद डॉलरों के लिए तुम इस तरह की गंदी बकवास करते हो? ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें जो है इंडिया भी देखता है, बाहर से लोग भी देखते हैं। तुम लोग कैसे अपने आप को ऐसे पेश कर सकते हो लोगों के साथ? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि तुम लोग जो है सिर्फ पाकिस्तान को जो है ना, पाकिस्तान में व्लॉगिंग हो रही है, पाकिस्तान के लोग हो ना, तो लोग अपने ही लोगों के ऊपर तुम जब कीचड़ उछालोगे तो यहाँ पाकिस्तान के अलावा भी मुल्क देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो जो है आपको सबको देखते हैं, आपकी ज़हनियत को देखते हैं। मैंने नहीं देखा कहीं भी जो है कोई भी, यानी मैंने इंडिया के व्लॉग भी देखे, इंडिया वाले कोई भी ऐसी व्लॉग नहीं बना रहे कि फलाने ऐसा कर दिया तो फलाने। भाई हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है, जैसे भी कमा रहा है, अपने घर की रूटीन बताकर। तो अपने घर में वो रह रही है, अपनी चार दीवारी में है, तुमसे कुछ नहीं ले रही। तुम जो हो फिर भी बेफजूल बन के गंदी घटिया बातें बकते हो। अपने बच्चों के को देख लो, जो माँ बाप का किया हुआ होता है ना वो सारा बच्चों के सामने आता है, तो तुम अपने बच्चों को देख गंदी वाहियात बकवास करते हो, तो फिर ये तुम क्या बाहर के लोगों को क्या बता रहे हो कि हम पाकिस्तान इतनी घटिया है? ये तुम पाकिस्तानी अपनी असलियत बता रहे हो, बजाय तुम लोग अच्छी तरह अपने आप को पेश करने के तुम लोग जो हैं घटिया बातें कर रहे हो। घटिया यानी सपोर्ट करने के बजाय, तुम एक औरत अगर वो इज्जत से बैठ के खा रही है, खर्च कर रही है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? इतनी तकलीफ के तुम लोग जो है रोज़ कोई ना कोई झूठी वीडियो बना के ले आते हो, रोज़ कोई ना कोई बात बक देते हो। ये सबसे पहले तो मैं ये बेबो मुझे इंतहाई जहर लगने लग गई है जब से जो है ये सितारा के ऊपर इसने गंदी बातें कर रही। सितारा की बात, सितारा अगर कमा रही है, पहले उसने यानी अपने यानी शादी दूसरी शादी हो गई, उसका शौहर बट गया, तो हमारी पाकिस्तान क्या इंडिया की भी औरत जो है वो सौतन बर्दाश्त नहीं करती? अगर उसके पास कुछ कहने के लिए इधर उधर से नहीं था,
फिर उसका शोहर भी उसको कमा के नहीं देता था, तो उसने तो चैनल बनाना था ना, अपने बच्चों के लिए चैनल बनाया ना उसने। और अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि वो वायरल हो गई, क्योंकि लोग सालों साल वायरल नहीं होते, वो वायरल हो गई। अल्लाह ने उसकी रोज़ी इसी में लिखी हुई थी। तो अल्लाह ने अगर उसकी रोज़ी लिखी हुई है ना, तो तुम लोग मुसलमान होने के बावजूद तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों उसकी रोज़ी पे लात मारना चाहते हो? तुम लोग वैसे कुछ भी कर लो, अल्लाह ने अगर उसकी रोज़ी इसी में लिखी हुई है ना कि व्लॉग बना के वो करेगी, तो वो ऐसे ही बनाती। तुम लोग ये नहीं देखते कि एक औरत को कब तक तुम जलील करोगे? इतना जलील करोगे, गंदी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी हैं तुम लोगों ने एडिट कर करके, तो एक औरत को तुम इतना बना वो कर दोगे कि वो खुदकुशी करने पे राजी हो जाएगी। अपनी इज्जत तो बचानी है ना, क्योंकि वो तो फेमस हो चुकी है। खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये बेबो जिम्मेदार होगी, ये खालिद अमीन जिम्मेदार होगा, ये इसकी बहन सलमा यासीन ये जिम्मेदार होगी, जो जो हैं इसके हिटर वो सारे जिम्मेदार होंगे, और उसके कत्ल के जिम्मेदार तुम लोग होंगे। तुम्हारे सर पे इसका कत्ल होगा अगर उसने खुदकुशी कर ली तो। तुम इंसान के बच्चे बन जाओ और उसके पीछा छोड़ दो। बेबो तुम तो पता नहीं कितना गंद तुम्हारे अंदर भरा हुआ है कि तुम फट रही हो हर वक्त, कि अपनी जात पे तुम लोग जितनी भी बातें कर लोगे वो बर्दाश्त कर जाती है, क्योंकि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, ना कोई वीडियो बनाई। कितने अरसे से तुम लोग उसके पीछे पड़े हुए हो, दूसरे से तीसरा महीना शायद स्टार्ट हो चुका है। तुम लोग उसको इतना जलील कर रहे हो, एक यानी कि पत्थर होता है ना पत्थर, उसके ऊपर भी पानी की बूंद 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 गिरती रहे तो वो भी एक दिन टूट जाता है। तुम उसको क्यों तोड़ना चाह रहे हो? वो अगर अपने बच्चों के लिए कमा रही है, अब अगर उसने डिफेंस में घर ले लिया है, या फिर वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है, तो तुम लोगों को क्यों तकलीफ हो रही हो? बेबो जैसे लोग तकलीफ से फटे जा रहे हैं, पता नहीं इस क्यों फट रही है ये। तो मैं तो सितारा से कहती हूँ कि सितारा तुम जो है डटी रहो, अपने जो है चैनल से नहीं हटना, तुम अपना चैनल चलाती रहो, अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाओ, ये तुम्हें हटाना चाहते हैं बस, और कोई बात। बोलने को बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन अब मैं क्या क्या बोलूँ? बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ उसकी जान छोड़ दो, प्लीज़ 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 उसको बख्श दो। वो अच्छी तरह से अपनी वीडियो बना रही है, उसको वीडियो बनाने दें। अगर वो उसके अल्लाह ताला ने नसीब में इतना पैसा लिखा हुआ है, तो वो उसको ही मिलना है। तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम लोग उसको गिरा के तुम समझते हो कि वो अगर गिर जाएगी, यूट्यूब चैनल उसका बंद हो जाएगा, तो तुम्हें वो इनकम होने लग जाएगी, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई इनकम नहीं होनी, बजाय तुम्हारे सब्सक्राइबर मैं तो कहती हूँ शायद ख़त्म ही हो जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे। तो अल्लाह जिसके साथ होता है उसके सब्सक्राइबर बढ़ते ही हैं, तो अल्लाह जो है उसके साथ है। तुम लोग जैसे उनके साथ नहीं है, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। किसी का इतना सख्त इम्तिहान नहीं होना चाहिए कि उसको अल्लाह ताला भी जो है माफ़ कर देता है। उसका गुनाह कोई भी गुनाह नहीं है, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपनी बहन को मिलने, अपनी माँ को मिलने के लिए सऊदीया चले गई उसके चैनल की, हालांकि वो खुद बुला रही थी, उसने खुद बुलाया और वो गई है, अदरवाइज वो नहीं जा रही थी। तो जब वो चले गई है, उसने अपने चैनल को चमकाने के लिए, एक तो उसको तकलीफ हो गई कि ये इतनी अच्छी तरह से कमा रही है, खा रही है, वो पैसे खर्च कर रही है। तो मैं सच की सच्ची बात है, ये सारे जेलस हो रहे हैं सितारा से, और इसके पैसे से, इसके व्यूज़ से, और ये क्यों कमा रही है किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ना सितारा की बहन को, ना ही सितारा के रिलेटिव्स को, और ना ही बेबो और ये खालिद वगैरह को, किसी को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अब तो इंतहा हो गई। जब उसने लाइव आके वीडियो शेयर की है, तो मेरा तो दिल इतने खून के आंसू रोया है कि मैं इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर पा रही, मैं इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर पा रही। सितारा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो है अपने चैनल पे डटी रहना, जैसे कैसे तुम डटी रहो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।